हेलो दोस्तों, ईएसजी आजकल चर्चा में है, चाहे वो जॉब मार्केट हो या फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये ईएसजी होता क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में और एनालाइज करते हैं ईएसजी इन इंडिया। तो दोस्तों, ईएसजी जो है वो तीन पिलर्स पे बना एक फ्रेमवर्क है, ई यानी एनवायरमेंटल, एस सोशल और जी गवर्नेंस। तो पहले पिलर के तहत ऑर्गेनाइजेशन को आका जाता है कि उनकी पॉलिसीज कैसी हैं, क्लाइमेट चेंज, वेस्ट एंड पोल्यूशन, एनर्जी यूज, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन और एनिमल्स के प्रति ट्रीटमेंट की तरफ। उसी तरह सोशल पिलर के तहत देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ट्रीट करती है एम्प्लॉयज को, लेबर फोर्स को, अपने कस्टमर्स को और कम्युनिटीज से उनका क्या इंटरेक्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो तीसरा पिलर है गवर्नेंस का, वो देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे गवर्न कर रही है, कैसे लीडरशिप है, ऑडिट मैकेनिज्म है, एग्जीक्यूटिव पे है। तो दोस्तों, ईएसजी से जुड़े पॉइंट तो हमेशा से ही जरूरी थे, तो अब जाके क्यों ईएसजी ट्रेंड कर रहा है, तो हम देखते हैं ये पांच बॉक्सेस और उनके इंटर रिलेशनशिप्स, फिर कुछ डिटेल में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, रिस्क तो हमेशा से थे, पर उनका रियलाइजेशन पिछले कुछ सालों में ज्यादा हो रहा है, ना सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पर व्यक्तिगत लेवल पर भी। और इसी के चलते स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स बने हैं जिनको रिपोर्ट और डिस्क्लोज करना होता है, जो मदद करते हैं ईएसजी इन्वेस्टर्स को। और इस सब के चलते मार्केट में नई नई जॉब्स आ रही हैं, कुछ और इंटरेक्शंस भी हैं, यानी कि हम आप जैसे इन्वेस्टर्स अपने वैल्यूज को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम प्रैग्मेटिकली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स फॉलो कर रही हैं। और जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट फील्ड में, पर फ्रेमवर्क्स क्रिएटिंग फील्ड में, रिपोर्टिंग और रेटिंग फील्ड में। और ये नई जॉब मार्केट और नई इन्वेस्टमेंट ट्रेंड को मिला के बनता है हमारा ईएसजी का ट्रेंड। तो आइए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव अब सभी को दिखाई दे रहा है, पैंडेमिक का असर पूरी दुनिया ने देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए जा चुके हैं सन 2015 में 2030 के लिए, और कॉप मीटिंग्स यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ पार्टीज यानी क्लाइमेट चेंज से जुड़ी मीटिंग्स हर साल हो रही हैं। तो कई सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देश विदेश में फॉलो किए जा रहे हैं, जैसे GRI, TCFD, MSCI और SASB। COP26 मीटिंग में सन 2021 में ISSB बना, जो कि इन सभी स्टैंडर्ड्स को यूनिफाई करने का मैंडेट रखता है। इसी के साथ मई 2021 में भारत में भी सेबी ने एक नया अमेंडमेंट किया, जिसके तहत बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अब टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज जो भारत की हैं उनको मैंडेटरी रूप से जारी करनी है। तो ये जब रिपोर्ट्स मार्केट में आती हैं तो इन्वेस्टिंग इजी होती है, और इन्वेस्टिंग होती है तो रिपोर्टिंग बेटर होती है। अब हम आते हैं कुछ नंबर्स पे देखने के लिए कि कैसे फंड मार्केट बढ़ी है ESG की पिछले 4 सालों में 5 गुना, और वैसा ही बूम हमें जॉब मार्केट में दिखा है। तो अब बस सिर्फ ये देखना है कि ESG का ट्रेंड तब्दील कर पाता है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस को उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि प्रॉफिट, पीपल और प्लैनेट तीनों की तरफ ओरिएंट होती हैं। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।